मेरी शादी में कैसे ब्याह करेगा, ब्याह करेगा उससे। कई दिनों से सोच रहे थे कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जैसे कहते हैं वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। मूड जो है अगर आपका ठीक ना हो तो नहीं होता है, तो कोई चीज़ हो रहा है। फिलहाल आज सोचा कि क्यों ना जो है आज शूट करूँ, क्योंकि वैसे भी कई दिनों से जो तबीयत ख़राब चल रहा है देख सकते हैं आप, ये सब धूप में घूमने का ठंडा गर्म जो भी होता है उसका ये इफेक्ट है। सो आज कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि व्लॉग जो है शूट करें और देखते हैं कि आज जो है हम क्या क्या करते हैं इन एन ऑफिस। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो उतना ज़ोर से नहीं बात कर सकता क्योंकि तबीयत जो है वो ख़राब चल रहा है, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हो रहे हैं, तो एनी हाउ मैनेज कर रहे हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। और वीडियोस जो है वो काफ़ी सारे आने वाले हैं, धीरे धीरे जो है आप लोगों को पता चलेगा। इन बिटवीन जो है हम लाइफस्टाइल वीडियोस भी जो है डालना के कोशिश करेंगे, प्लस अनबॉक्सिंग्स वगैरह या प्रोडक्ट रिव्यू सब धीरे धीरे आएगा। थोड़ा सा जो है अभी टेंशन चल रहा है, जैसी वो निपट जाए बैक टू नॉर्मल लाइफ हम फिर से आ जाएंगे। सीआरपीएफ का जवान लोग कौन सा पुलिस भी है सर? अबे वो SLR है, पुलिस इसलिए है कि उनको रूट नहीं पता है सर। ये सब SLR है यार, इंसास है। वो ब्लैक कलर का देख रहे हैं? नहीं वो तो NSG का रहेगा शायद से, ये तो SLR है सब, इंसास राइफल जो है ना इंडियन आर्मी का। अरे बाप रे पूरा ये ऑफिसर जो गाड़ी ये हमारे ऑफिस में आ गया पागल क्या, वोट का समझता नहीं। अरे वो देखो उसके पास देख, कार्रवाई नहीं देख उसके पास, अरे उसके पास देखो कार्रवाई नहीं। सच में सर बात की करते हैं, देखिए देखिए इंसास राइफल है, देखिए देखिए इंसास राइफल है वो SLR वाला। सर मेरा कागज रेडी कर, अरे इलेक्शन है अजीब पागल है, लूट मार छोड़ तो मेरा घर के तो जाएगा तो क्या करेगा उन लोगों के साथ। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत एकदम ये रहते हैं। टिफिन खाने का सीन नहीं है तुम नहीं समझोगे, क्रिएटिविटी तुम नहीं समझोगे। किस खुशी में? मेरी शादी। कैसे ब्याह करेगा, ब्याह करेगा उससे? उससे वो भी फोन किया था मेरे को। क्या बोला था? हाँ वही तो रिकी। तुम्हारा कम भात नहीं आज बोला। फिलहाल अभी लंच का टाइम हो रहा है, फिलहाल अभी हम लंच कर रहे हैं, इन्हें तो आप ऐसा नहीं होगी। और आई थिंक कितने वाले वीडियो कितने वाले वीडियो में थे तो फिलहाल अभी लंच कर लेते हैं और बाद में बात करते हैं, देखते हैं कि आज का जो ब्लॉग है वो कैसे जाए। और टिफिन में तुमने क्या लाया है? अरे एकदम नॉनवेज, एकदम एग टोस्ट लाया है। और यहाँ पर हमने जो है गरीब का सूखा रोटी और सब्जी, फिलहाल यही खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ और इनसे भी हम बात करेंगे। तो इंस्टाग्राम में तेरा फॉलोअर्स बढ़ा तो बोला फ्री का प्रमोशन मिल गया, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ गए और हमको ही फॉलो करो यार, हमारे भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसे भी फॉलो कीजिए। और लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग जो हम आज कर रहे हैं तो देखते रहिए और सजेशन जो है वो कमेंट में डालते रहिएगा। चले करें लंच, चलो।
ट्रस्ट मी गाइस, लंच के बाद काम करना मेरे को सबसे ज़्यादा सर दर्द होता है, क्योंकि एक हल्का सा नींद का खुमार एक आता है, प्लस तब ऐसा होता है ना कि बॉडी जो है बेड को सर्च करता है कि कल जाके जो है थोड़ा सा सोने में, बट कुछ नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ को जो है मेंटेन करना, काम के टाइम पे काम करना और मज़े के टाइम पे मज़ा। तो फिलहाल जो है अभी काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद शाम होने का इंतज़ार करते हैं, जब 6 बजे का हम यहाँ से जाएंगे उसी का जो है इंतज़ार करते हैं, अभी काम ख़त्म कर लेते हैं। शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, घर जाने का समय वो आ ही गया जो हम लोग सोच रहे थे। यूजुअली अभी जो है बंगाल में इलेक्शंस का पीरियड आ रहा है, तो उसी जो है फर्स्ट क्लिप जो आपने देखा जहाँ पर आर्मी वॉक कर रहे थे, अब देखते हैं कि इलेक्शन में यहाँ पर कितना जो लफड़ा हो उससे अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने तो वीडियोज़ आते ही रहेंगे और हम हमारे लाइफ में जीते ही रहेंगे, अपना काम करते ही रहेंगे, सरकार ये आए या वो आए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, चीज़ों के दाम जो है वो सस्ते होने चाहिए, लाइवलीहुड जो है वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए, इवन सस्ता होना चाहिए, एटलीस्ट हम जैसे लोग या गरीब या मिडिल क्लास के जो लोग हैं एटलीस्ट वो सर्वाइव कर पाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, शाम के टाइम ऑफिस से आने के बाद चाय और स्नैक खाना, इसका अलग ही मज़ा होता है, बट एंड ऑफ द डे जितना एग्जर्शन आपका होता है ये जो वक्त है ना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम होता है, बट जो प्रोफाइल में हम काम करते हैं ना ये टाइम पे भी जो हमें काम करना होता है, फिलहाल जो अभी तक कॉल नहीं आया है नहीं तो ये टाइम पे भी हम बिज़ी रहते हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा नाश्ता वगैरह मैं कर लेता हूँ, और फिलहाल तो ये बज रहे हैं शाम के 7:15, ये देखिए घड़ी आप देख सकते हैं, फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं बाद में आपसे बात करते हैं। ये है खारी, जो हम खारी बोलते हैं वहाँ पर, और चाय, तो फिलहाल फटाफट में खा लेता हूँ और बाद में बात करता हूँ, अभी भूख बहुत ज़्यादा लगा है।